हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमें डिफरेंशिएट करना है फैक्टर एंड मल्टीपल्स को, कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं और इनमें फ़र्क क्या होता है। ठीक है, फैक्टर्स हमारे पास वो होते हैं कि आपके पास कोई नंबर होता है और उस पर जो जो टेबल जा रहा होता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और मल्टीपल क्या होता है कि हमारे पास जो भी नंबर होगा उसका जो हम टेबल हम लिख लेते हैं वो उसके मल्टीपल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर और मल्टीपल में फ़र्क था कि जो फैक्टर होते हैं इसलिए क्या होता है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 8 है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसके फैक्टर कौन से हैं और इसके मल्टीपल कौन से हैं। ठीक है, तो जो फैक्टर इसके बनेंगे वो कौन से बनेंगे, 8 के, कि जिस पे 8 का, यानी कि जो जो टेबल 8 पर जाता है वो इसके फैक्टर होंगे। यानी कि जाने का क्या मतलब है कि जो नंबर 8 को डिविजिबल करेंगे, यानी 8 को हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर के साथ, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है, और फिर अगर हमने किसी नंबर के साथ मल्टीपल 8 को करना है यानी मल्टीप्लाई करना है तो वो 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि क्या करते हैं। 8 है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 8 का टेबल है वो किस किस पे जाता है। अच्छा, 1 वो वाहिद नंबर है जो हर टेबल पे जा, हर नंबर पे सॉरी जाता है। ठीक है, तो 8 का जो नंबर है वो हमारे पास, एक तो 1 का टेबल इस पे जाता है, 8 वन ज़ार 8। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है 2 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये 8 आता है। देखें कि 2 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 2 भी इसका फैक्टर है, यानी 2 8 2 4 ज़ार 8 होता है, और 4 भी 8 का मल्टीप्लाई फैक्टर है क्योंकि 4 जो है वो 8 पर भी जा रहा है। ठीक है, अच्छा फिर देखें 3, क्या 3 के टेबल में 8 आता है, 3 का टेबल पे 8 नहीं आता। यहाँ पे देखें 8 अंदर रखती हूँ, 3 पे डिवाइड करती हूँ, 3 2 ज़ार 6 2 रह जाएगा, ये मुकम्मल डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं ना 8 को किसी नंबर पे और वो पूरा पूरा चला जाए, आसान लफ्जों में कि अगर हमने किसी नंबर को, यानी 8 है उसको किसी नंबर पे डिवाइड किया है और वो पूरा पूरा चला जाता है, तो वो इसका फैक्टर है। ठीक है, अब देखें, अब मैं अगर 4 के साथ करती हूँ, ये देखें 4 के साथ करती हूँ, 8 अंदर रखा है, 4 पे डिवाइड किया है, 4 2 ज़ार 8, तो ये पूरा पूरा चला गया है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2 लिखूंगी, ये 8 आ जाएगा, और इसके बाद जो है 5 6 7 कोई भी नहीं जाता, उसके बाद जस्ट हमने 8 का लिख दिया है। तो यहाँ देखें ये 1 2 4 8, और यहाँ पे देखें 1 2 4 8, तो ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, तो ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। अब मल्टीपल्स की हम बात करते हैं, तो इसके मल्टीपल्स कौन से आते हैं वो हम देखते हैं, कि 1 मल्टीप्लाई 8 8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1, यानी 2 मल्टीप्लाई 8 16, 3 मल्टीप्लाई 8 तो 24 आ जाता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 24, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 8 16 24 32 up to so on, ये इसके मल्टीपल आते हैं, मल्टीपल्स चलते जा रहे होते हैं। ठीक है, जबकि फैक्टर हमारे पास रुक जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, जिस तरह 3 है, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि 3 पे कौन कौन सा टेबल जाता है। एक तो इसके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फैक्टर्स, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 आता है, और 2 का टेबल नहीं जाता 3 पे, और 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये 3, तो इसके जो फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 और 3। ठीक है, अब इसके मल्टीपल्स हम देख लेते हैं, इसके मल्टीपल्स कौन से आएंगे। मल्टीपल्स आएंगे कि 1 मल्टीप्लाई 3 3 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 5 मल्टीप्लाई 3 तो ये 15। तो ये जो सारी चीज़ें इसके मल्टीपल्स है, यानी कि 3 6 9 12 15 up to so on, ये इसके मल्टीपल्स आ गए। ठीक है, फैक्टर देखिए महदूद है, जबकि मल्टीपल जो से है वो चलते जा रहे होते हैं, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये इसके बेसिक डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंट होते हैं। फैक्टर हमारे पास स्टॉप हो जाते हैं, जबकि जो मल्टीपल्स होते हैं वो चलते जा रहे होते हैं। ठीक है, हाँ जी, 10 हमारे पास क्या है। अब 10 के फैक्टर देखते हैं कि इसके फैक्टर, यानी इस पर कौन कौन सा टेबल जाता है। ठीक है, फैक्टर का मतलब यही है कि इस पर कौन कौन सा टेबल जाता है। एक तो 1 का अपना जाएगा, 10 आ गया, एक इसके बाद 2 का टेबल जाएगा, 2 5 ज़ार 10, 3 का टेबल नहीं जाता, 4 का भी इस पर नहीं जाता, 5, अब देखिए 5 मल्टीप्लाई 2 10 आ गया, और फिर 10 मल्टीप्लाई 1 10 आ गया। तो इसके जो फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 1 2 5 एंड 10, ये वाले। ठीक है, अच्छा अब इसके आ जाते हैं मल्टीपल्स पे, तो मल्टीपल बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मल्टीपल्स इसके देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10 10, 2 मल्टीप्लाई 10 20, 3 मल्टीप्लाई 10 30, तो ये इसके आ जाएंगे 10 20 30 up to so on। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 12। अब 12 के देखते हैं कि फैक्टर कौन से बनते हैं। ठीक है,
फैक्टर इसके देखते हैं इस पे कौन कौन सा टेबल जाता है। एक तो वन का टेबल इस पे जाएगा, ठीक है, टू सिक्स आर 12 होता है, थ्री फोर्स आर 12, अच्छा अब फोर थ्री आर 12, फोर का टेबल जाएगा, फोर का टेबल हमने कह दिया, फाइव का टेबल नहीं जाता, ठीक है। इसके बाद सिक्स टू आर 12 और फिर 12 वन आर 12, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, तो इसके जो फैक्टर है 1 2 3 4 6 एंड 12, ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम इसके मल्टीपल्स की बात कर लेते हैं, तो इसके मल्टीपल्स कौन से हैं ये देख लेते हैं हम, ठीक है। मल्टीपल्स देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई 12 12, 2 मल्टीप्लाई 12 24, 3 मल्टीप्लाई 12 36, 4 मल्टीप्लाई 12 48, 5 मल्टीप्लाई 12 60, 12 24 36 48 60 up to so on, तो ये इसके फैक्टर सॉरी मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर देखें कि इसमें आ जाता है 5 वाले में आपका इसका आता है 16। इसको सॉल्व करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, 16 हमारे पास है, तो इसके हम फैक्टर सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि 16 पे कौन कौन से नंबर जा रहे हैं, यानी कौन कौन से टेबल जाते हैं 16 पे। अब यहाँ पर देखें कि 1 मल्टीप्लाई 16 तो 16 आ जाता है, 2 का टेबल 16 पे जाता है, 2 8s are 16 होता है, ठीक है, 3 का टेबल नहीं जाएगा, 4 4s are 16 होता है, 5 का टेबल भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाता, 8 का टेबल जाता है, 8 2s are हमारे पास 16 होता है, और फिर उसके बाद 16 का टेबल जाता है। तो इसके जो फैक्टर्स बनते हैं 1 2 4 8 एंड 16। अब आ जाते हैं इसके मल्टीपल्स की तरफ, ठीक है। इसके मल्टीपल्स देखते हैं कौन से हैं, 1 मल्टीप्लाई 16 16, 2 मल्टीप्लाई 16 तो ये 32, 3 मल्टीप्लाई 16 48, 16, 32, 48 up to so on, ये इसके फैक्टर्स मल्टीपल्स आ जाते हैं। अब आ जाते हैं 9 पे, 9 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर्स हमने सबसे पहले 9 के देखने हैं कि फैक्टर्स क्या हैं। 1 मल्टीप्लाई 9 9, 2 का टेबल नहीं जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9, इसके अलावा 9 का टेबल खुद जाएगा, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हैं 1 3 एंड 9। जबकि इसके मल्टीपल्स की तरफ आते हैं, मल्टीपल्स की तरफ आते हैं तो इसमें क्या होता है कि 1 मल्टीप्लाई 9 9, 2 मल्टीप्लाई 9 18, 3 मल्टीप्लाई 9 27, 4 मल्टीप्लाई 9 36, 5 मल्टीप्लाई 9 45। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे पास मल्टीपल्स हैं, 9 18 24 36 एंड 45। इसके बाद 14 है, तो ये आपने खुद इसका देख लिया फैक्टर्स क्या कौन कौन से हैं और मल्टीपल कौन से हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, और जाने से पहले फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।